नाउ हाउ डू वी क्रिएट अ प्रोजेक्ट. फॉर एग्जांपल हमारे पास जैसे माया का मेन पर्पज होता है कि मुझे एनिमेशन करनी है, एक प्रोजेक्ट माया ग्राफिक्स करनी है, कहाँ से शुरू करें, क्या क्या स्टेप्स होंगे, क्या करना पड़ेगा, ये कुछ चीजें जो कि हमने रैंडमली बहुत दफा पहले भी जिक्र करते आए हैं. आज की बार और अभी अगले 2 से 3 क्लासेस में मेरा टारगेट ये है कि मैं इस तरह से छोटा सा प्रोजेक्ट में अभी कुछ साल लेके उसको यहाँ बैठे में बनाऊंगा, उसके जो स्टेप्स हैं जो जो रिक्वायरमेंट है वो चीज हम करेंगे. इस हद तक के साउंड रिकॉर्डिंग, साउंड एडिटिंग, फिर फाइनल कंपोजिशन, रेंडर कैसे होगा, फिर रेंडर करके प्रीमियर में लेके जाके या आफ्टर इफेक्ट में ले जाके उसमें इसके एडिटिंग कैसे करें, किस तरह से कभी कभार हम बहुत एनिमेशन को माया में जल्दी कर देते हैं, फास्ट में एक्शन हो गया और फिर माया प्रीमियर में जाकर उसको स्लो करते हैं, वो क्यों करनी पड़ेगी. कभी कभी हम एनिमेशन करते हैं तो जब रेंडर करते हैं तो बहुत स्लो हो गया, माया प्रीमियर में जाकर उसको फास्ट करते हैं, ये फंक्शन हमें कैसे कब क्या करनी पड़ जाती है, ये सारे कुछ ट्रिक्स हैं. ये तब तक हमें समझ में नहीं आती जब तक एक्चुअली हम प्रोजेक्ट पे काम ना करें, ठीक है. तो प्रोजेक्ट पे इसीलिए मैंने अभी थोड़ा सा मैंने कुछ छोटा छोटा तक एक दो एक्चुअली फाइल बना के रखी थी, एक टूथपेस्ट का हेड मुझे बनाना था. एट दिस मोमेंट में आई कैन नॉट फाइंड द फाइल क्योंकि लास्ट 2-3 डेज से पीसी जो है मेरा वो जरा सा बड़ा सीवियर किस्म का उसको दौरा पड़ा हुआ, तो बहुत सारी फाइलें जो है वो नहीं चल रही, ठीक है. बहुत सारी फाइलें जो है वो उसकी नहीं चल रही है, कुछ फाइलें चल रही है. तो कुछ फाइलें मैंने अभी अपने एक्सटर्नल आर्टिस्ट पे बहुत सारी कट पेस्ट कर दी थी, तो मुझे लग रहा है कि वो कल रात के जो सीन था वो आज पीसी को थोड़ा चलाया है, तो उसमें जो है वो चाहे फाइल उधर उधर हो गई है. बहरहाल सो व्हाट वी नीड टू डू इज के लेट्स स्टार्ट वर्किंग नाउ. सबसे पहले जब माया में आएंगे, एक तो हमने स्टोरी बोर्डिंग स्क्रिप्टिंग ये प्री प्रोडक्शन का फेज है, अज्यूमिंगली हम सक्सेसफुली करके आए हैं कि उसके दोबारा नहीं जा रहा, ठीक है. ये वो चीजें जिसमें हमने पहले भी काफी हद तक बात कर चुके हैं कि भाई हमें एक स्टोरी होनी चाहिए, एक स्क्रिप्ट होना चाहिए, एक स्टोरी बोर्ड होनी चाहिए, इसको प्री प्रोडक्शन में अगर हमने फॉर्मलाइज कर दिया तो हमारा काम करना माया में बड़ा आसान हो जाता है. तो फॉर एग्जाम्पल हम अभी एक चिप्स का पैकेट बना हुआ है, इसकी रिगिंग की हुई है, तो मैं एक चिप्स का सिंपल सा एड बनाना चाहेंगे और उसको बैकग्राउंड पर एनवायरमेंट जिसमें चिप्स चल कर आएगा और इस तरह के उसके दो डुप्लीकेट्स लेके हम उस पर काम करेंगे, थोड़ा सा डायलॉग रिकॉर्ड करके फिर डायलॉग साउंड जिंगल वगैरह ऐड करके फिर प्रीमियर में उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा इफेक्ट्स और सितारे वगैरह ऐड करके ऐड कंप्लीट करेंगे. उस सूरत में मुझे भी क्या क्या चाहिए होगा कि सबसे पहले तो माया में आके हम लोग कर लेंगे न्यू प्रोजेक्ट या क्रिएट अ प्रोजेक्ट विंडो, ठीक है. प्रोजेक्ट विंडो इसीलिए क्योंकि अब आप एक नया प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हो. अब अज्यूमिंगली हो सकता है कि मेरे प्रोजेक्ट में 2 से 3 बंदे काम कर रहे हो, जैसे अभी हमारे सिचुएशन में हो रहे हैं, ठीक है, कहीं 3 कहीं 4 बंदे. हो सकता है कि यहीं पे इसी प्रोजेक्ट पे 400 बंदे काम कर रहे हैं. जब 400 लोग एक ही प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो हम काम डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें, पहली चीज. दूसरी, कौन सा टास्क किसको दें. तीसरी चीज, एक कैरेक्टर पे हो सकता है कि 10 बंदे एट अ टाइम काम कर रहे हो, अब वो चीज कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करें एक कैरेक्टर. और फिर कल को फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी डायरेक्टर ने कह दिया कि भाई इस कैरेक्टर को ना मुझे ऐसा करो, फील हो रहा है कि मुझे नहीं है, इसकी मुझे लगा दो. फॉर एग्जाम्पल मीन्स अब 10 बंदे एक कैरेक्टर पे काम कर रहे थे, अब उन 10 के 10 के पास फाइल को अपडेट करनी पड़ेगी, उस 10 के 10 को फाइल को अपडेट करनी पड़ेगी क्या, क्योंकि फाइल 10 के पास आएगी, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है. दूसरा प्रॉब्लम ये आ जाता है हमारे पास के मैंने कैरेक्टर को उठाया, एक दफा टेक्सचर किया उसको, हमने शर्ट टी शर्ट वगैरह दी, कल को हमने कहा नहीं यार शर्ट अच्छी नहीं लगी उसको, आप फॉर एग्जाम्पल टी शर्ट पहना, टी शर्ट अच्छी नहीं लग रही शर्ट दे दे, शर्ट अच्छी नहीं लग रही हाई नेक पहना दे, फिर इसके ऊपर एक थोड़ा सा मफलर किसको पहना. चलो एक कैरेक्टर पे एक तो मॉडल कर दिया, बट एक कैरेक्टर 10 बंदे एट अ टाइम उस पर एनिमेट कर, अब वो हो सकता है उन्होंने एनिमेशन कंप्लीट भी कर दी हो, अब आपको डायरेक्टर आके कहता है कि यार नहीं इसमें मुझे ना इसको मफलर पहना है और यूनिफॉर्म तो आपने पहनाया है. फॉर एग्जाम्पल इस यूनिफॉर्म में स्कूल का लोगो थोड़ा सा चेंज है, नया लोगो आ गया जब तक हम स्कूल के लिए प्रोडक्शन बनाए, अब ये तब्दीली आपको करके देंगे. मीन्स के 10 सीन्स 10 मुख्तलिफ बंदे 10 एनिमेशन कंप्लीट भी हो चुकी है, अब क्या करना पड़ेगा, अब सिर्फ एक लोगो की वजह से मुझे सारा काम रिपीट करना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता. माया में हम लोग थोड़ा सा प्रोसेस को समझते हैं, उसके लिए सबसे पहला स्टेप क्रिएट अ प्रोजेक्ट. प्रोजेक्ट का मतलब ये कि अब आपकी प्रोजेक्ट की सारी रिलेटेड फाइल्स उस एक प्रोजेक्ट में होंगी, आपके टेक्सचर्स, इमेजेस, साउंड, सीन्स, एसेट्स, जितनी भी रेफरेंस इमेजेस, जो भी टेक्सचर आप जहां जहां से यूज कर रहे हो, जब आप यूज कर रहे हो तो उसको वहां उसी ड्राइव से नहीं उठाओ, उसको कॉपी करो अपने प्रोजेक्ट के फोल्डर में. इसका एडवांटेज ये मिलेगा कि जब वो प्रोजेक्ट का फोल्डर मैंने अपने पीसी पर खोला तब भी मुझे फुल मिलेगा,
जब वो प्रोजेक्ट का फोल्डर मैंने आपको दिया, आपने अपने पीसी पे खोला, तब भी आपको सारी फाइल्स टेक्सचर्स लिंक्स सब परफेक्ट मिलेगा। फिर समटाइम्स ये होता है कि हमें जब प्रोजेक्ट को रेंडर करना होता है तो हम एक मशीन पर रेंडर नहीं करते, क्योंकि रेंडरिंग इटसेल्फ कैन टेक आवर्स डेज वीक्स, तो वो हम एक एक मशीन एक प्रोजेक्ट को 10 से 15 मशीन पर एट अ टाइम रेंडर करते हैं। ठीक है, तो हमारा जैसे प्रोजेक्ट्स होंगे तो इतने हैवी हो जाएंगे कि एक प्रोजेक्ट एक सिस्टम पर रेंडर नहीं हो पाएगा। तो हम चार अलग छह अलग हो सकता है लैब में रेंडर करते, तो अगर मैं लैब में जाके 10 पीसीस पे माया इंस्टॉल करके सेटअप करके, जैसे लास्ट टाइम भी क्या था, रेंडर करना चाह रहे हैं, अब वहां पे पीस फाइल खोले के पता चला आपने अपने डी ड्राइव की लोकेशन दी है, वहां तो डी ड्राइव है नहीं, आपने एफ ड्राइव के अरसलान के फोल्डर के अंदर जाके सैम के फोल्डर के अंदर शान का फोल्डर है उसमें टेक्सचर पड़ा, वहां तो फोल्डर ही नहीं है, आपको फाइल कहां से मिलेगी, फाइल आपके वहां पे लोड ही नहीं होती, प्रॉब्लम। फिर बैठो फाइल करो, फाइल खोलो, टेक्सचर लोड करो, मेस। इसीलिए हम कहते हैं फर्स्ट स्टेप क्रिएट अ प्रोजेक्ट फोल्डर, यू मे हैव फाइल प्रोजेक्ट विंडो। प्रोजेक्ट अक्सर अभी भी लोगों आपने नोट किया होगा, आप जब सेव करते हो तो डिफॉल्ट फोल्डर के अंदर करते हो, जो माय डॉक्यूमेंट्स में माया का डिफॉल्ट प्रोजेक्ट का एक फोल्डर है, सारे आधे ज्यादा लोग वहां पर करते हैं, अपना एक प्रोजेक्ट का फोल्डर बनाए, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव कहीं के फोल्डर है, वहां पे जाके प्रोजेक्ट विंडो इधर आके न्यू प्रोजेक्ट देते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कह दो भाई मैं नया बनाना चाह रहा हूँ, करंटली ये मेरे पास अवेलेबल है, मुझे इस पे नहीं, इस प्रोजेक्ट का हमने नाम दे दिया फॉर एग्जाम्पल चिप्स टीवीसी, ठीक है, चिप्स टीवीसी मैंने नाम दे दिया, लोकेशन मैंने इसको बता दी कि भाई मेरे जो है मैजिक स्टूडियोज और ये फलाना फोल्डर है मेरा, मैं इसी को यूज करता हुआ आ रहा हूँ, यहाँ पे आप अपना प्रोजेक्ट बनाओ। उसके बाद सी दीज आर डिफॉल्ट फोल्डर्स जो कि माया को जरूरत पड़ती है, जिसमें सीन्स वो कहता है आप सीन्स के अंदर रखो, एसेट्स आप एसेट्स के अंदर रखो, इमेजेस आप इमेजेस के अंदर रखो, सोर्स इमेजेस रेंडर ब्ला 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 चीजें, ऑटो फिल किए हुए हमें फिल करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे नाम तब्दील कर सकते हो। एक बार हमने कहा ठीक है डिफॉल्ट नाम रहने दो, क्रिएट एक्सेप्ट, तो बेसिकली अब एक फोल्डर बन जाएगा आपके सिस्टम के अंदर, इफ आई गो इनटू दैट सिस्टम ए ड्राइव माय फाइल्स और आपका मेरा मैजिक स्टूडियोस, यहाँ पे एक फोल्डर बना जाएगा चिप्स टीवीसी करके, ठीक, इस चिप्स टीवीसी के अंदर जाएंगे तो वो सारे फोल्डर जो मैंने बताए थे इस वक्त एम्प्टी होंगे, पर माया ने वो फोल्डर बना लिया, ठीक है, ये सारे फोल्डर्स एम्प्टी 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 उसने क्रिएट कर दिए और एक फाइल बना दी वर्कस्पेस के नाम से, इसमें एक्चुअली उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। अब क्योंकि आपने प्रोजेक्ट बनाया तो व्हाट आई विल डू इज कि फाइल सेव सीन एज, तो ऑटोमेटिकली इफ आई गो इनटू माय सीन्स इट विल ब्रिंग मी टू माय चिप्स टीवीसी सीन्स, ठीक, यहां पे आके मैं एक और फोल्डर क्रिएट कर दूंगा फॉर एग्जांपल कैरेक्टर्स और इसके अंदर मैंने रख दूंगा नाम फॉर एग्जाम्पल मिस्टर चिप्सी, ठीक, नहीं ये तो मिस चिप्सी हो गई है, मिस चिप्सी ये एक बन गया। इस कैरेक्टर को आके हमने कहा भैया आपका जो बैकग्राउंड में बाकी ये थी चीजें थी, फॉर एग्जाम्पल पेंसिल मेरे को नहीं चाहिए, ये चीजें नहीं चाहिए, सिर्फ मेरे पास एक क्यूब, इसको नाम दे दिया मैं मिस सी एच आई पी चिप्सी बॉडी, ठीक, और ये आ जाएगा मेज का मेन कैरेक्टर कंट्रोल और कंट्रोल एस फाइल को सेव करा दिया हमने मिस चिप्सी के नाम से, यहीं पे फाइल सेव सी एस, इसी को एक और नाम दे देते हैं हम मिस्टर चिप्सा है, मिस्टर चिप्सी हुई फीमेल तो मिस्टर चिप्सा क्या होना चाहिए, मिस्टर नाम पूछ रहा हूँ क्या रखूं इसका नाम चिप्से, चले भाई मिस्टर चिप्से हो गए, नहीं तो दोनों हो गए, सॉरी चिप्स मिस्टर चिप्स, ठीक चले फजीलत वाला नाम चिप्स, ठीक, सो मिस्टर चिप्स, तो दो कैरेक्टर्स हमारे पास आ गए मिस्टर चिप्स एंड मिस्टर चिप्से करके दो कैरेक्टर्स। उसके बाद मुझे लोकेशन चाहिए, तो लोकेशन ऑलरेडी मेरे पास एक प्री बिल्ट पड़ी है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई क्लिक ऑन न्यू सीन आई गो इनटू फाइल्स, अभी मैंने ढूंढी थी या अल्लाह फिर कहां कर दी, अभी भी मैंने खोला था फोल्डर एक एक ठीक, इसमें कुछ किचन आ गया मेरे पास और इनफैक्ट फ्रूट्स, ठीक, इसमें मेरे पास एक किचन पड़ा है, फ्रूट्स
और किचन फ्रिज इनफैक्ट फ्रिज सिंक कर देते हैं, और कुछ फाइल्स नहीं, इनको मैंने यहाँ से किया कॉपी, हमारे फोल्डर के अंदर गए, चिप्स टीवी से सीन्स, और यहाँ पे आके मैंने न्यू फोल्डर बना दिया, फॉर एग्जाम्पल लोकेशन करके ये चीजें मैंने अपने लोकेशन के अंदर कॉपी कर दी। इसमें फ्रूट्स था, ये फॉर एग्जाम्पल प्रॉप है, एक और फोल्डर मैंने बना दिया जिसका नाम दे दिया प्रॉप्स, और ये इसके अंदर कॉपी कर दे। प्रॉप्स का मतलब एक्स्ट्रा आइटम्स, वो चीज जो सीन में डायरेक्टली यूज नहीं है, बट क्योंकि मैं सीन दिखा रहा हूँ फ्रिज किचन का, तो बैकग्राउंड में मैं कुछ फ्रूट्स दिखाना चाह रहा हूँ, तो वो बैकग्राउंड के आइटम प्रॉप्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल फैन है, फैन रियल में नहीं पर सीन में नजर आएगा कि यार फैन चलता हुआ होना चाहिए, उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बस फैन चलेगा ऊपर, तो वो फैन मैंने क्योंकि अलग से मॉडल किया हुआ है, उसको टेक्निकली हम प्रॉप्स कहते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा आइटम है जिसका सीन से डायरेक्टली कोई ताल्लुक नहीं, बट वो सिर्फ बैकग्राउंड में सजावट की खातिर मौजूद है, तो इसको हम प्रॉप्स कहते हैं। कैरेक्टर्स के अंदर मैंने अपने मेन कैरेक्टर रख दिए जो मेरे सीन में इस्तेमाल होंगे, लोकेशन के अंदर हमने मेन लोकेशन रख ली जिसमें मेरी एक्चुअली लोकेशन जो इन्वॉल्व होने वाली है वो मॉडल कर दी। इस तरह से हम अपने जितने फोल्डर चाहे बना सकते हैं, ये हमारी अपनी कन्वीनियंस के लिए, बाकी अब मुझे पता चलेगा कि यार मैंने सारे कैरेक्टर्स कैरेक्टर्स में रखे, सारे मैंने सीन्स लोकेशंस लोकेशन के फोल्डर के अंदर, जितना भी एक्स्ट्रा कचरा आइटम है वो मैंने प्रॉप्स में डाल दिए। ठीक, अब माया में आ जाते हैं, मैंने फाइल ओपन की, लेट मी चेक द लोकेशन, जो मेरे पास मेरे दो लोकेशंस थी कौन सी इस्तेमाल करनी है, ये कंप्लीट किचन का समझो हमारे पास एनवायरनमेंट सेटअप किया हुआ है, आई अज्यूमिंगली कि इसमें टेक्सचर नहीं है। ठीक है, अब ये वही प्रॉब्लम हुई कि फॉर एग्जांपल मेरे हिसाब से मैंने इसमें टेक्सचर शायद किया हुआ था, लेट मी जस्ट डबल चेक मटेरियल एट्रीब्यूट्स केबिन वुड, सी यस अब टेक्सचर मिसिंग था। इस वक्त इसको जो मैंने टेक्सचर दिया हुआ है वो एफ ड्राइव में कोई टेक्सचर्स का फोल्डर है, उसके वुड के अंदर जाके वुड 32 करता है, पर क्योंकि अब मैंने इसको कहीं और कॉपी किया किसी और प्रोजेक्ट में किसी और ड्राइव में, अब वो टेक्सचर मिसिंग हो गया, टेक्सचर नहीं आया। अब अगर ये चीज हम सही से प्रोजेक्ट फोल्डर के हिसाब से नहीं करेंगे, कल को ये पूरा प्रोजेक्ट उठाया मैंने दूसरे पीसी में दिया, ठीक, और मैंने कहा इसको रेंडर करो, तो उसको नहीं पता चलेगा टेक्सचर मिसिंग है, तो वो रेंडर करके रिजल्ट फाइनल आएगा तो सारा ब्लैक या व्हाइट या फिर जब हम रेंडर करने जाते हैं तो माया में ट्रिक है कि मैं माया को खोले बगैर रेंडर कर सकता हूँ, क्योंकि रेंडर की एक अलग से इंजन है माया की, अलग से सॉफ्टवेयर है जो माया को कंपाइल करता है, जैसे अगर हम जावा पे काम करते हैं तो जेवी से एक कंपाइलर अलग है, जावा एक अलग एग्जीक्यूटर है जो जेवीएम को कॉल करता है, तो जब हम कंपाइल करते हैं तो जावा सी लिखते हैं जो कंपाइलर को कॉल करता है, फिर एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे जावा लिखना पड़ता है, अगर हमने डॉस से कॉल किया डॉस से अगर आप करो तो आपको करना पड़ेगा, मतलब वो दो अलग अलग इंपैक्ट फाइल है ना कि जेवीएम अलग है कंपाइलर अलग है, यहाँ भी वही चीज है कि माया अलग है जब रेंडर करते हैं तो माया का रेंडर अलग है, वो रेंडर अलग से मैं कॉल कर सकता हूँ विदाउट ओपनिंग माया, उसके लिए एक सिंपल सी स्क्रिप्ट मुझे लिखनी पड़ती है, वो स्क्रिप्ट हम लिख लेते हैं, जब प्रोजेक्ट मेरा सेट होगा ना तो मैं सिर्फ फाइल आपको बोलूंगा यार एक काम करो फाइल उस पीसी में कॉपी करो, ये एक स्क्रिप्ट फाइल है उसमें डबल क्लिक कर दो पीछे रेंडर शुरू हो जाएगी, उस स्क्रिप्ट में पूरी डिटेल बना दूंगा, इससे हमारा बहुत टाइम बच जाता है काम बच जाता है, अगर आपने सेटअप सही किया हुआ, यहाँ पे सेटअप गलत है, अब अगर इसको मैंने यूज किया तो प्रॉब्लम आ जाएगी, हैंस अब ये है वुड 32.jif, तो व्हाट आई विल डू, मुझे पता है कि ये हरकत हमने की हुई है, मेरे पास जो टेक्सचर्स अंदर हकीकत वो मेरे एफ ई ड्राइव के फोल्डर के अंदर यहाँ पे वुड करके फोल्डर होगा, इसमें वुड 32 करके एक फाइल होनी चाहिए जिसमें ये होगा 20, 17, 18, 19 वुड 32 आई थिंक ये वाला, ठीक, मैं इस टेक्सचर को करूंगा कॉपी, हमारे सीन्स में आ गए पीवीसी सोर्स इमेजेस में गए, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं एक फोल्डर बना देता हूँ टेक्सचर्स करके, और जो टेक्सचर मैंने इस्तेमाल किया वो यहाँ पे पेस्ट करूँ, ठीक है, अब माया में आ गए, इसको किया हजरत को रीलोड, और मैं टेक्सचर्स में जाके वुड 32 दे दिया, ठीक, नाउ सी इसका पाथ चेक करो कैसा आ रहा है, बस यहाँ पर कोई सी ड्राइव ई ड्राइव एफ ड्राइव नहीं लिखा हुआ, मींस एज लॉन्ग एज यू हैव योर प्रोजेक्ट सेट आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं,
वो रिलेटिव पाथ से उठाएगा क्या उसी प्रोजेक्ट की सोर्स इमेजेस के अंदर जाओ तो टेक्सचर्स के अंदर बहुत टेक्सचर्स रहेगा। हमने कहा यार बहुत आला परफेक्ट कहानी फिल्म। उसके बाद आ जाते हैं जनाब, अब ये तो ड्राइंग रूम रूम ये खाली पड़े, ये पता नहीं किस चक्कर में थे ठीक। इन दिस केस आई प्रोबेबली माइट नॉट नीड ऑल दीज आइटम्स क्योंकि ये मुझे जरूरत में नहीं होंगे तो मैं इन सबको डिलीट कर दूंगा। सिर्फ मुझे फॉर एग्जाम्पल यहाँ टेबल पे एक चिप्स का एड दिखाना है तो प्रोबेबली मेरा जो एंगल यूज होगा वो किचन का फ्रंट ये वाला होगा, ओके मैं विल ट्राई कि मैं रूममेट को इसी तरह से यूज करूँ। तो ये जो रूम था इसको सेलेक्ट किया मैंने डिलीट किया, इसको सेलेक्ट किया मैंने डिलीट कर दिया। दिस बॉक्स हेयर फिलहाल मुझे इसकी भी जरूरत नहीं है, प्रोबेबली आई विल जस्ट पुश इट डाउन, इन फैक्ट आई विल जस्ट हिट दिस डोर एज वेल, इसको भी मुझे फिलहाल जरूरत में नहीं है बल्कि डिलीट नहीं मारते, इसको नीचे किया। सिमिलरली दिस बॉक्स इसको भी बाद में डील करते हैं, आई वुड सेलेक्ट एवरीथिंग एंड गो इन टू लेयर बल्कि एंड आई विल ट्राई टू हाइड दिस लेयर एक्स्ट्रास EXTRS extras save और hide कर दो भाई ठीक है। तो अब जो चीज मुझे नहीं चाहिए मैं फिलहाल hide कर दूंगा, हो सकता है कि आगे चल के मेरा कैमरा एंगल मुझे ये चीज को कहे कि भाई आपको तो उसको यूज करना है, मे बी इफ आई हैव टू रेंडर इट फ्रॉम दिस एंगल एज वेल तो शायद मुझे ये चीज की जरूरत पड़ जाए ठीक है। अदर देन दैट हो सकता है कि आई विल ट्राई टू कीप द एंगल वन फिक्स्ड कॉर्नर तो मुझे वो चीज करो। अब सीन के हिसाब से मुझे किचन का सीन चाहिए जिसमें टेबल और चिप्स, तो वो सीन ऑलरेडी हमारे पास एक अवेलेबल है, हो सकता है ये नहीं हो तो फिर आपको ये चीज मॉडल करनी पड़ेगी ठीक है, मॉडल करनी पड़ेगी। हम जो एक शीट बनाते हैं जिसको हमने इनफैक्ट कहा था डोप शीट, मैंने इसको क्यों खोल दिया, उसमें हम लोग फिर ये चीज की इंफॉर्मेशन लिखते हैं कि आपकी सीन्स हैं माया सॉरी नॉट दिस नॉट दिस स्टूडियोज डेटा शीट्स एंड डोप शीट अरे यार इसको ओवरराइट कर दिया हमने नालायक। ये फॉर एग्जांपल हमारी एक डोप शीट कहलाती है, डोप शीट का मतलब ये होता है कि इसमें हम अपनी सीन के कुछ डिटेल्स ऐड करते हैं तो मेरे सीन में क्या चीज मौजूद है क्या चीज नहीं मौजूद, उसमें क्या रिक्वायरमेंट होगी क्या नहीं होगी। अब एक्चुअली मैंने वर्ड फाइल थी, इस वर्ड फाइल को हमने ओवरराइट कर दिया, परफेक्ट इसका मतलब ये दोबारा से बनानी पड़ेगी। चलो फिलहाल इसमें हम लिखते हैं कि भाई मुझे क्या क्या फुटेज दरकार होगा, लोकेशन कौन सी दरकार होगी, कुछ बेसिक डिटेल्स हम फिलअप करते हैं। हो सकता है कि इसका हम जरूरत ना भी पड़े कैमरास अभी पता नहीं है, कैरेक्टर मिस्टर चिप्स एक हो गया, दूसरा मिस अबे ये तो फिर मिसेज होनी चाहिए, मिस भी लिखा हुआ है, मिसेज चिप्पी चिप्पी क्या लिखा था हमने व्हाटएवर चिप्स एनिमेटर ठीक है, कौन इसको एनिमेट करेगा, हो सकता है कि इसमें एक एनिमेटर निशान हो, एक हमारे पास वकास भाई हो, एक फॉर एग्जांपल अरसलान हो, तीन बंदे इस सीन पे एनिमेट करेंगे।
मींस मेरे सीन वन है, उस सीन वन में चार शॉट्स है, मैं भी इसको ब्रेक डाउन करके बताता हूँ। उसमें फिर ये चार बंदे, फिर असिस्टेंट्स, असिस्टेंट्स का मतलब ये कि मैंने मेन काम करना है, मैंने मेन सीन को सेटअप करके लेआउट करके उसकी मेन फ्रेम्स को एनिमेट करके दे दिया। अब तो छोटी मोटी मोशन है ना, फिंगरप्रिंट सही रहा नहीं रहा, आप आईज ब्लिंक हमने की नहीं की, ठीक है, हेड मूवमेंट थोड़ा सही है नहीं है, वो फिर मैंने अपने असिस्टेंट हायर किए, यार ये छोटे मोटे जो काम है ना भाई वो आप काम करो। अब छोटे मोटे काम के लिए कौन कौन रखे हैं हमने, रमीज आ गया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जय आ गया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और मुजफ्फर आ गया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, सोचो। फिर साउंड एडिटिंग, साउंड की रिकॉर्डिंग कौन करेगा, ठीक है, हमने कहा कि यार एक फॉर एग्जाम्पल रमीज रिकॉर्ड करेगा साउंड को, ठीक है, और दूसरा फॉर एग्जाम्पल इमरान रिकॉर्ड करेगा फॉर एग्जाम्पल साउंड को, और ये ओवरऑल फाइनल चेकिंग जो सीन की वो कौन कर रहा है, ठीक है, जो प्रोड्यूसर हो गया फॉर एग्जाम्पल आपका, वो आपके पूरी सीन को रीचेक करेगा कि एवरीथिंग इज ओके और नॉट। सो दिस बिकम्स वन आइडिया कि यार ओके मुझे अभी सीन में क्या करना है क्या नहीं करना है, वी कैन ऐड दैट। फिर सीन वन, सीन वन आ गया, सीन वन में एक शॉट हो सकता है, सीन वन में दो शॉट हो सकते हैं, सीन वन में 200 शॉट हो सकते हैं, depending on how we proceed. What do we mean by scene and what do we mean by shot? Scene का मतलब ये कि मैं इसको आप कहेंगे opening ऐसी यानी scene, ठीक है, opening scene में क्या हुआ है, camera shows the feet of Mr. Chips. He is angry and पांव हिलाने को क्या कहते हैं अंग्रेजी में, ये बंद कर रहा था ना पांव, सब अंग्रेजी लोग रहे हैं, he is angry and pounding his feet, ठीक है, कि वो गुस्से में अपने फीट को पाउंड कर जा रहा है। कैमरा वन हमारे पास ये होगा, इसका मतलब जो पहला सीन होगा उसमें जो कैमरा होगा वो कैमरा वन मेरे पास इस चीज को दिखा रहा है, ये एक शॉट सीन वही है। फिर दूसरा सीन, सीन वन शॉट टू, अब कैमरा फॉर एग्जांपल टू, मिस चिप्स चिपो नहीं चिपी चिप्सी सॉरी मिस्टर मिस चिप्सी is WM walking towards Mr. Chips while bouncing and dancing. See? ये मतलब अभी वही सीन है, इन अदर वर्ड्स कि हमारी लोकेशन वही और एनवायरनमेंट वही है, पर अब सीन वही है, उसमें शॉट्स तब्दील हो रहा है। अब इस शॉट में मुझे सिर्फ दिखाना है कि अंकल चिप्स बैट नजर आ रहा है, उसके पाँव नजर आ रहा है, टिक टिक टिक, वो गुस्से में इंतजार कर रहा है किसी का, तक उसी सीन में दूसरा सीन आएगा कि दूसरे दिखाएगा चिप्स जो है मिसेस वो भी उछलती कूदती हुई आ रही है, ठीक है। तीसरा सीन, अब उसमें अगेन तीसरा सीन वही है, उसी को हमने दूसरे शॉट में ब्रेक कर दिया, ठीक है, शॉट थ्री, मिस्टर चिप्स angrily shouts, या shouts नहीं scolds कर देते हैं, अगर भाई angrily S-U-R scolds at Miss C-H-I Gypsy, कहाँ यार लैंग्वेज भी अच्छी लिखनी पड़ेगी वरना लिखने वाला था काम मर गई, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली मिस्टर चिप्स एंग्रीली कॉल्ड दैट मिस चिप्स क्या था यार उसका नाम, तो मैं फजीलत से रख लेते हैं, काम मर गई थी, ठीक है। हाँ, अब ये कैमरा स्क्रीन
अच्छा अब यहाँ पे मैं कैमरा वन को ही दोबारा यूज कर सकता हूँ मेरे ऊपर, क्योंकि पहला उसी के कैरेक्टर के ऊपर कैमरा वन था, जब तक कैमरा टू दिखाऊंगा तब तक कैमरा थ्री को उठा के मैंने ऊपर कर दिया मेरे ऊपर। लेकिन क्योंकि यहाँ पे कैमरा फ्री करना आसान है और क्रिएट करना भी आसान है, यूज करना भी फ्री है, कोई इशू नहीं है, तो आई वुड रेकमेंड कि आप हर कैमरा को अलग अलग यूज करें ताकि आपके पास हर शॉट अलग अलग कैमरा के साथ रेंडर किया हुआ। समटाइम्स ये होता है कि अगर हम की फ्रेम सेट करना भूल जाते हैं कैमरास के हिसाब से तो पूरे कैमरा के शुरू के एनिमेशन बिगड़ जाते हैं। हमने शुरू में रखा, आपने दूसरा किया, फिर तीसरा किया, फिर उसी कैमरा को अगले सीजन रीयूज करना शुरू किया ना, उसी की फ्रेम खराब हो जाती है तो सारे चीज भूल जाते हैं। इसी बात हम कहते हैं यार यूज डिफरेंट कैमरा, आपका सीन ऑर्गेनाइज रहेगा। तो मैंने फिर कहा मिस्टर चिप्सली एंग्रीली स्कॉल्डर कहां मर गए थे, ठीक है। फिर उसी सीन वन में शॉट फोर फॉर एग्जांपल कैमरा फोर, और अब मिसेस चिप्सी ने क्या कहना है, मिस चिप्सी इन जॉली गुड मूड सेज, एक्चुअली मैं लिखने वाला था कुरकुरे के साथ मीठा बना रही थी, ठीक एंड सो व्हाट वी गेट नाउ, आई गेट अ लिटिल आइडिया कि मुझे सीन में करना क्या है, और उम्र मुझे यहां तक जो है एक आइडिया मिल गया कि यार ओके हाउ आई एम सपोज टू प्रोसीड। ऑब्वियसली इसकी छोटी सी हमें ड्राइंग्स यहाँ पे करनी ताकि हमें सीन को पता चले कि हमें क्या करना है, तो आइडिया हमारा स्टोरी होती का यही है। तो वंस आई हैव द स्क्रिप्ट वी प्रोसीड होता है, इस तरह से मैं जब पूरे सीन्स को लेआउट करूंगा तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि यार मेरे सीन में वो क्या है, किस तरह से एंगल दिखाना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे कहा सिर्फ पाँव का एंगल आएगा, ठीक है, शोज द फीट ऑफ मिस्टर चिप्स, सिर्फ पाँव दिखाने। अच्छा इसी तरह से हमें कैमरा को प्रोसीड करना है, इस सीन को कंप्लीट करना, बाकी का आगे के डायलॉग जो है वो फिलअप करना। वंस वी हैव द डायलॉग देन वी कम इनटू द सीन, एंड इन फैक्ट बिफोर दिस हमने फिर वो जो डोप शीट बनाई थी, या एक और हम शीट बनाते हैं, इसको हम कहते हैं रिक्वायरमेंट एनालिसिस। उसमें हम कहते हैं कि मुझे मॉडल्स कौन से चाहिए, ठीक है, मॉडल फॉर मॉडलिंग एनिमेशन या जो भी कह लें, उसमें मॉडल आ गया, तो मॉडल के अंदर मेरे पास कैरेक्टर कौन से चाहिए होंगे, लोकेशन कितनी चाहिए होंगी, प्रॉप्स कौन कौन से चाहिए होंगे, इसमें सीन के हिसाब से। इनफैक्ट अगर मैं सीन को ब्रेक करूं इधर तो यहाँ पे आ जाएगा शॉट के हिसाब से, शॉट के हिसाब से मुझे सी एच ए आर ए सी जी ई आर कैरेक्टर लोकेशन प्रॉप्स कौन से चाहिए। तो सीन वन शॉट वन कैरेक्टर कौन सा होगा, मैंने कह दिया मिस्टर चिप्स, लोकेशन के ICCHN किचन टेबल, इसमें अभी मतलब ये मेरी लोकेशन होगी। तो प्रॉप्स इसमें कौन कौन से रिक्वायर्ड होंगे, अगर कोई है तो, मैंने कहा कोई प्रॉप्स फिलहाल या प्रॉप्स पता नहीं है कि नहीं है, अब मुझे क्या पढ़ना पड़ेगा, MODE मॉडलिंग, ठीक है, मॉडलिंग में मुझे क्या मॉडल करना है, KITCHEN किचन, मुझे मॉडल करना पड़ेगा मेरे भाई KITCHEN किचन टेबल। प्रॉप्स आपको कुछ चाहिए, प्रॉप्स का मतलब वो चीज इस्तेमाल हो रही है, फॉर एग्जाम्पल सीन वन में मुझे दिखाना है शूज, SHOE शूज ऑफ मिस्टर चिप्स, हो सकता है इसकी जरूरत ना पड़े, अगर पड़े तो मुझे ये चीज यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल सीन टू जो है जिसमें वो उछलती भी आ रही है, तो वो उसके हाथ में कोई दुपट्टा है, कोई पेन है, कोई पेंसिल है, कोई एक्स्ट्रा आइटम है, मतलब किचन में काम कर रही थी तो कोई हाथ में फॉर एग्जाम्पल डंडा है या बेलन है, और वैसे नहीं है, पर अब मुझे याद आया कि यार वो जो सीन वन के अंदर ही जो शॉट टू होगा उसमें मिस सी एच चिप्सी होगी, तो वो भी किचन टेबल पे ही आ रही होगी, ठीक है, KITCHEN किचन टेबल, पर उसके हाथ में फॉर एग्जाम्पल बेलन होगा, ये एक्स्ट्रा प्रॉप होगा, इसका वैसे सीन से कोई ताल्लुक नहीं, पर सीन में इफेक्ट डालने के लिए उसके हाथ में बेलन होगा या एम्प्टी हैंडेड होगी, कुछ भी नहीं होगा, मुझे नहीं पता, पर ये चीजें हम लोग आपके माइंड में प्लान करते जा रहे हैं, व्हाट विल बी शी वेयरिंग। फॉर एग्जाम्पल प्रॉप्स में आगे का मतलब कि उसमें उसने बैज पहना हुआ है या कैप पहनी हुई है,
ठीक है, या फॉर एग्जाम्पल अबाया पहना हुआ है या स्कार्फ पहना हुआ है, हमें नहीं पता, दीज बिकम एक्स फैक्टर जो कि एम्फेसिस डाल रहे हैं डायरेक्ट सीन में। उसके बाद अब मैं इसमें करूंगा कि यार ठीक है ये चीज तो हो गई अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक। फिर मॉडलिंग में आ जाते हैं, अब इसके हिसाब से मुझे मॉडलिंग में क्या क्या मॉडल करना पड़ेगा। सीन वन में किचन बनाना पड़ेगा, किचन टेबल बनानी पड़ेगी, ये जितनी चीजें मैंने लिखी है ये सारी मुझे मॉडल करनी पड़ेगी, ठीक है। इसको यूं कर देते हैं, एक मिनट लेट मी शो यू, एक्सेल पे आप लोगों को उम्मीद है थोड़ा बहुत काम आता होगा। ये चीज आगे दे, इसको उठा के हमने कह दिया मर्ज, सीन वन थोड़े किचन हो गया के आई सी सी एच एन, किचन टेबल हो गया एस एच ओ, ये शूज हो गया फॉर एग्जाम्पल उसके, स्कार्फ हो गया, बेलन हो गया, जो जो चीज आपको मॉडल करनी है वो उसकी आपने लिस्ट बना यार ये चीजें मुझे सीन वन में चाहिए। इसी तरह से सीन वन इसमें शॉर्ट थ्री है, इसमें शॉर्ट फोर है, दो चीजें खत्म हो सकता है, फिर सीन टू स्टार्ट हो। यहां से फिर मैंने कहा यार आप सीन टू उसमें कितने शॉर्ट्स हैं, उसमें कौन सा कैरेक्टर होगा, क्या क्या रिक्वायरमेंट है। फिर उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट सीन, नेक्स्ट सीन के मतलब टेक्सचरिंग, ठीक है। उसके बाद उसकी हम कहते हैं लाइटिंग, उसके बाद हम उसकी कहते हैं एनिमेशन, बल्कि एनिमेशन से पहले रिगिंग, फिर हम कहते हैं एनिमेशन, इनफैक्ट इससे पहले एक और हजरत को डाल दो आप कैमरा, क्या अब इसमें नेम आ जाएगा मॉडलिंग, यहां पे एक और डाल दो एमओडी मॉडलर्स, इनको कौन मॉडल कर रहा है, ठीक है। ये मतलब मेरा सीन आ गया, इसमें हम लोग ये अब चेकलिस्ट बनाते चले गए, सेफ ठीक है, ये मेरी रिक्वायरमेंट एनालिसिस हो गई। अब मैंने कहा कि यार मेरे सीन वन में शॉर्ट वन में मिस्टर चिप्स चाहिए, किचन का टेबल होगा, शूज और क्रॉप्स होंगे, इसी के सीन वन सीन टू सीन थ्री ये एक सीन आ गया एंड लाइट चली गई, ठीक ये सीन वन हो गया। इसी तरह से हमने कहा आई वुड नीड फॉर एग्जांपल सीन टू, इसी तरह से सीन थ्री, फिर हम कहेंगे यार इस टेबल के हिसाब से मुझे बताओ कि मॉडलिंग क्या क्या हम कर चुके हैं, क्या क्या रहेगी लिस्ट बन गई हमारे पास यार, सीन वन सीन टू सीन थ्री, हो सकता है कि पूरा सीन मेरा इस पर्टिकुलर केस में यही चीज इन्वॉल्व कर रही है, ठीक है। मैंने कहा मुझे पूरा सीन जो है मेरा वो दोनों सीन वन सीन टू टोटल है इसमें, और इसमें शॉर्ट टू और इसमें शॉर्ट थ्री, इससे ज्यादा मैं आगे बढ़ूंगा नहीं, होपफुली 10 टू 15 सेकंड्स के एनिमेशन करके जान छोड़ेंगे। इसमें हो सकता है सिर्फ मॉडलिंग ही पड़ेगी, ये पूरे सीन्स के लिए मुझे ये चीज है, ठीक है। दूसरा इसको इन सीन्स को मॉडल कौन कर रहा है, मॉडलिंग
ये एक प्री प्रोडक्शन का मेन फेज हमारे पास है। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज ईशान भट्टी, आई एम द क्रिएटर ऑफ ईशान एकेडमी, an online multimedia learning and education site that has video lectures on and notes on various subjects. So to keep update, like, share and subscribe. Oh, that's nice.